थे आज के तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। वाराणसी के ज्ञानवापी केस की अगली सुनवाई अब सोमवार 30 मई को होगी। आज जिला कोर्ट में सबसे पहले मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी। मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए कहा कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक ज्ञानवापी परिसर के पत्थर को शिवलिंग बताकर अफवाह फैलाई जा रही है। कोई एविडेंस नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक काल्पनिक तथ्यों के आधार पर यह सूट फाइल किया गया है। यह सूट बिल्कुल फ्रिवलस है, वेक्सेस है, कई कानूनों से बाहर है। जिला कोर्ट ने करीब 2 घंटे तक दोनों पक्षों की बातें सुनी और फिर सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी। 30 मई को अगली सुनवाई में भी पहले मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा और उसके बाद हिंदू पक्ष को मौका दिया जाएगा। आज मुस्लिम पक्ष ने आर्गुमेंट शुरू किया है, अभी आर्गुमेंट पूरा नहीं हो पाया है, मंडे को 2 बजे उनका आर्गुमेंट कंटिन्यू रहेगा। हिंदू पक्षकारों को भी अपनी याचिका में दिए गए तथ्यों से साबित करना होगा कि उनकी याचिका सुनवाई के योग्य है या नहीं। मथुरा कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हिंदू पक्ष को जमीन पर दावे से जुड़ी याचिका मुस्लिम पक्ष को मुहैया करवाने को कहा। शाही ईदगाह कमेटी के वकील तनवीर अहमद ने कोर्ट से हिंदू पक्ष की याचिका की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की थी। जब कोई व्यक्ति जब कोई दावा पेश करेंगे तो उसकी एक कॉपी हमें जरूर दी जाएगी अपोजिशन पार्टी को, तो अभी उन्होंने हमें कॉपी तो दी नहीं है। आज उनका एडमिट हुआ है, वो हमें कॉपी देंगे, उसमें जो हम लोग अपना जवाब दाखिल करेंगे, जो भी प्रक्रिया है जो माननीय न्यायालय में अपनाई जाएगी वो हम लोग अपनाएंगे उसको। आज कोर्ट ने कहा कि जो हमारी याचिका की कॉपी लेके रिटर्न आर्गुमेंट रिटर्न जवाब लाइए अपना, हम इस मुकदमे को पब्लिक इंटरेस्ट में जनता की भावनाओं को देखते हुए डिले नहीं करना चाहते, हम इस मुकदमे को शीघ्र से शीघ्र कराना चाहते हैं जिससे कि देश की जनता के सामने सच आए। हिंदू पक्ष का आरोप है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर अतिक्रमण करके शाही ईदगाह बनवाया गया था। श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से ईदगाह मस्जिद को हटाने और 13.37 एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाने के लिए याचिका दायर की गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। मंदिर मस्जिद की लड़ाई अब अजमेर तक पहुंच गई है। राजस्थान के एक संगठन महाराणा प्रताप सेना ने अजमेर शरीफ दरगाह में हिंदू प्रतीक होने का दावा किया है। महाराणा प्रताप सेना का कहना है कि दरगाह की एक खिड़की पर स्वास्तिक का निशान बना हुआ है। मुगल शासक के द्वारा मंदिर मस्जिद जो बनाए गए, जो डैमेज किए गए, और ऐसे तमाम जो मार्गों के नाम, कॉलोनियों के नाम मुगल शासकों द्वारा हैं, इनको हटाने का काम महाराणा प्रताप सेना करेगी। हालांकि महाराणा प्रताप सेना के इस दावे को दरगाह कमेटी ने खारिज कर दिया है। वो जहां तक अकीदत से आता है तो बिल्कुल हम साथ देने के लिए तैयार हैं और हर मौजू पे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ अराजकता फैलाने के लिए या यहां पर हिंदू मुस्लिम जो भेदभाव नहीं हो रहा उसका। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां राज करके जनता को लूटना चाहती हैं, लेकिन अब तेलंगाना के लोग बदलाव चाहते हैं। परिवारवादी पार्टियां किस तरह सिर्फ अपना विकास करती हैं, अपने परिवार के सदस्यों की तिजोरियां भरती हैं। पीएम मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने कई मिथक तोड़े और विज्ञान पर भरोसा किया। तेलंगाना की इस धरती से उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देता हूं। जब उनके सामने आया कि फलानी जगह पे नहीं जाना चाहिए, टिकनी जगह पे नहीं जाना चाहिए, योगी जी ने कहा मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं, और वो चले गए। पीएम मोदी ने आईएसबी हैदराबाद के 20 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज दुनिया महसूस कर रही है कि भारत का मतलब व्यापार है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच तकरार बढ़ती ही जा रही है। इस विवाद को आगे बढ़ाते हुए ममता बनर्जी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार के विश्वविद्यालयों में अब राज्यपाल चांसलर नहीं होंगे बल्कि उनकी जगह मुख्यमंत्री चांसलर होंगे। इसके लिए ममता बनर्जी सरकार जल्द ही विधानसभा में विधेयक पेश करेंगी। अब तक राज्यों के विश्वविद्यालयों के चांसलर राज्यपाल ही होते हैं। ऐसे में ममता सरकार के इस फैसले पर केंद्र सरकार ने सवाल उठाया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने ममता सरकार के इस फैसले को गलत बताया है।
ये फैसला एक नजीर विहीन फैसला है और गवर्नर स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट से ही चांसलर बने हैं, तो ये एक्ट को बदल करने के लिए एक नया तरीका ढूंढे हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल की शक्तियों को कम करने के लिए यह फैसला लिया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों की संख्या 27 है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है। बजट में किसानों महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। गोरखपुर वाराणसी में मेट्रो रेल चलाने का ऐलान किया गया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सिंचाई के लिए वैकल्पिक ऊर्जा का प्रबंध किया जाएगा। बजट में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना का ऐलान किया गया, तो वहीं 60,20,000 क्विंटल बीज और 119,30,000 मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा गया। धान की MSP 1,940 रुपए प्रति क्विंटल और ए ग्रेड धान के लिए MSP 1,960 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,015 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। इसके अलावा यूपी के 1,535 थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में 3 महिला PAC बटालियन का गठन होगा। UPSEE 2018 की 100 टॉपर छात्राओं और SC/ST कोटे से 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा। सामूहिक विवाह योजना के लिए भी गरीब कन्याओं की शादी के लिए इस राशि को बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। किसानों के लिए सिंचाई की योजना की व्यवस्था अगले 5 वर्ष के अंदर यानी शून्य तक पहुँचाना। योगी सरकार बजट को लोगों की उम्मीदों के मुताबिक बता रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये बजट नहीं बंटवारा है। हमारे किसानों का जो इन्होंने वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, उसका जवाब क्या है सरकार के पास? विनय कुमार सक्सेना ने आज दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ली। दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विपिन सांघी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद दिल्ली के नए उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली में कुछ वक्त से दंगे फसाद हुए हैं, लेकिन वो धार्मिक सौहार्द पर दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। राजनिवास में कम, सड़कों पे ज्यादा देखेंगे। मेरा सपना है कि दिल्ली सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ फ्लावर्स बने। राजनिवास में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली कैबिनेट के कई मंत्री शामिल हुए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बैठने के खराब इंतजाम से नाराज होकर शपथ ग्रहण से पहले ही वापस चले गए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।